कल हमने पढ़ा था डिग्री कैसे निकालते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कुछ सम्स के थ्रू, दिखाऊंगी मैं आपको कि डिग्री कैसे पहचाना जाता है। जैसे आप ये एक सम देख रहे हैं, वन नंबर क्वेश्चन। इस सम में अगर मैं पूछूं कि डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इस सम की डिग्री क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि इन तीनों सम से डिग्री निकालना है। अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिग्री क्या है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि डिग्री कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जो भी हाईएस्ट पावर होता है वो हमारा डिग्री होता है। तो इसमें इस वाले इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस वाले में इसकी डिग्री हो जाएगी 3। नेक्स्ट वाले सम में आते हैं हम। इस सम में हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ एक एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो गई 2। लास्ट वाले सम में आते हैं। अब आप कहोगे कि मैम आपने पिछले क्लास में बताया था कि पॉलिनोमियल में नेगेटिव पावर आने से वो पॉलिनोमियल नहीं होता, किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नेगेटिव पावर आने से वो पॉलिनोमियल नहीं होता। जी हाँ, मैंने बताया था कि किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नेगेटिव पावर होने से वो पॉलिनोमियल नहीं होता, वो सिर्फ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब इसको मैं चेंज करूंगी 1/4 1/(-2) है, जब ये चेंज होकर ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये x^+2 हो जाएगा। बाकी मैंने सारा वैसे ही उतार दिया। अब क्या है, ये पॉजिटिव हो गई, अब ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई, दैट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल है। अगर ये पावर नेगेटिव होती तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गई है तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री है 2। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब उस दिन भी मैंने बताया था, आज भी मैंने बताया, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि डिग्री कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलती हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि जब भी दो पॉलिनोमियल गिवन हो तो उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ऐड और सब्सट्रैक्ट करना मैं बताऊंगी। यहाँ px = 5 - 4x + 2x² एंड gx क्या है हमारा, 4x² - 3x + 6। ये हमारा px है और ये gx है। सबसे पहले हमारा कंडीशन है px और gx को ऐड करना है, तो मैं px को उतारूंगी यहाँ, 5 - 4x + 2x². gx क्या है, 4x² - 3x + 6। अब हमें इसे ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप लोग रूल जानते होंगे, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ऐड करना है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस प्लस, अब 4 और 2 6 हो गया हमारा, 4 + 6 2। नेक्स्ट एक्स को लेते हैं, -4x - 3x, माइनस माइनस प्लस, साइन हमारा नेगेटिव आता है, बट जो नंबर होते हैं वो ऐड हो जाता है, 4 और 3 हो गया 7x। नेक्स्ट +5 + 6 6 और 5 11 हो गया, प्लस प्लस प्लस। तो इस तरह हमने दो पॉलिनोमियल को ऐड किया। ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये काफी इजी होता है। मैं फिर से बता रही हूँ, px + gx को मैंने ऐड किया, px मैंने उतारा, gx भी उतारा। px में देखते ये देखती हूँ मैं ऐड करना, ये x² और ये x² 2x² 4x² दोनों ही पॉजिटिव था, प्लस प्लस प्लस, 4 + 6 x² -3x - 4x 4 + 3 7 माइनस माइनस प्लस, मैंने दोनों को ऐड किया, बट साइन माइनस का आता है, ये माइनस और प्लस वाली साइन आपने पढ़ा होगा पहले ही, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके ऐड होके 7x हो गया, माइनस माइनस माइनस, +5 + 6 हो गया हमारा +11। अब नेक्स्ट आते हैं नंबर 2, ये हो गया हमारा कंप्लीट नंबर 1। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, px को gx से माइनस करना है। px लिखे 5 - 4x + 2x² माइनस, आप कहेंगे मैंने इसे ब्रैकेट में नहीं लिखा था, पर इसे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर मैं ब्रैकेट में नहीं लिखती हूँ तो फिर आपको साइन में प्रॉब्लम होगा। आप जानते हैं जैसे ही बाहर में माइनस होता है, ब्रैकेट के अंदर जब माइनस ओपन होता है, माइनस के बाद जो ब्रैकेट ओपन होता है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में लिख रही हूँ ताकि साइन की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया 4x² - 3x + 6, ये हो गया हमारा px, ये हो गया gx। एट फर्स्ट हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 - 4x + 2x² माइनस,
ये मैंने माइनस दिया, माइनस के बाद ब्रैकेट ओपन जब होते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये जब मैंने माइनस कॉमन लेना सिखाया था तो मैं बताई थी। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस सिक्स। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस सॉरी ये पहले एक्स स्क्वायर को लेते हैं, प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, फोर से टू माइनस किया टू एक्स स्क्वायर, साइन किसकी बड़ी है, माइनस माइनस मैंने दिया, प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स, प्लस माइनस माइनस, फोर से थ्री माइनस किया एक्स, साइन माइनस नेगेटिव की बड़ी है, मैंने नेगेटिव साइन दिया, प्लस माइनस माइनस, सिक्स से फाइव माइनस हुआ वन, साइन नेगेटिव की बड़ी थी, मैंने नेगेटिव साइन दिया। ये हो गया हमारा कंप्लीट। आप चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो, वरना ये भी आंसर है कोई बात नहीं, पर अब मैं माइनस कॉमन लेके दिखा रही हूँ। माइनस मैंने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया सारे साइन चेंज। ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, आप जो भी चाहो लिख सकते हो। तो ये दो सब हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने दिखाया पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल को ऐड कैसे किया जाता है और सब्सट्रैक्ट किया कैसे किया जाता है। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये वन या टू मार्क्स में आते हैं, पॉलिनोमियल को ऐड कैसे किया जाता है और सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हमने पढ़ा था दो पॉलिनोमियल को ऐड कैसे करते हैं, अब हम देखेंगे कि दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। पी एक्स को जी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ लिख रही हूँ पी एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपकी मर्जी, आप फर्स्ट इससे सारे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर इससे सारे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर थ्री से सारे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर अब हम देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पी एक्स को जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट मैंने लिखा पी एक्स, उसके बाद जी एक्स। पी एक्स को जी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके हो गया एक्स टू दी पावर फोर। फिर मैंने इसी एक्स स्क्वायर से माइनस टू एक्स को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो ये हमारा टू हो गया, एक्स टू दी पावर टू है और यह एक्स के पावर में वन है, टू और वन मिलकर हो गया थ्री, ये पावर हमारा एड हो गया, तो टू एक्स क्यूब हो गया प्लस माइनस माइनस। अब हम एक्स स्क्वायर को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा थ्री, इसके पास एक्स नहीं है तो ये हो गया सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। अभी मैंने एक्स स्क्वायर को इन तीनों से वन बाय वन मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर फोर आ गया, फिर मैंने एक्स स्क्वायर को माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस टू एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर जब माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैं प्लस टू एक्स को सारे से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये प्लस है ये प्लस 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 टू एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टू और वन मिलकर हो गया थ्री, टू एक्स माइनस टू से टू माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस माइनस माइनस, टू टू जा फोर, एक्स इंटू एक्स एक्स टू दी पावर टू हो गया, मीन्स एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस टू एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हुआ थ्री, टू जा सिक्स और इसके पास एक्स नहीं है तो ये सिर्फ एक्स हो गया। नेक्स्ट प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, उसके पास एक्स नहीं है इसके पास तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस थ्री टू जा सिक्स एक्स, प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री जा नाइन। ये मैंने दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया। मैं फिर से बता रही हूँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फर्स्ट मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई की, एक्स टू दी पावर फोर हो गया, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस 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 टू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स मिलकर हो गया एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, इसके पास एक्स नहीं है वो एक्स स्क्वायर आ गया, ये थ्री हो गया। फिर टू एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, टू यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ टू हो गया, एक्स टू दी पावर वन और टू मिलकर थ्री हो गया प्लस प्लस प्लस, टू एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस माइनस, टू टू जा फोर एक्स 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 स्क्वायर, ये टू एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हुआ तो थ्री टू जा सिक्स प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 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 माइनस माइनस थ्री पॉलिनोमियल का, ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको पता करना है कि इसमें कितने पद है
और इसमें इसके घातांक क्या है, दैट मीन्स इसमें कितने टर्म है और इसकी डिग्री क्या है, ये पता करना है। मैंने ये प्रीवियस क्लास में आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था कि डिग्री क्या होती है और टर्म्स क्या होते हैं। तो इसमें कितने पद हैं, पद मीन्स होता है टर्म। मैंने बताया था कि अगर यहाँ मैथमेटिकल जो साइन होते हैं उस साइन को रिमूव कर दिया जाए तो जो भी आते हैं वो हमारे टर्म्स होते हैं। दैट मीन्स यहाँ कितने टर्म्स है, 1, 2, 3, यहाँ पे हमारे कितने टर्म्स है, 3, यानी इसकी पद क्या है, 3। इसकी घातांक क्या है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है, तो इसकी हाईएस्ट पावर हमारा क्या है, 2, तो इसकी घातांक हो गई 2। ये हो गया हमारा वन नंबर। नेक्स्ट आते हैं यहाँ x होगा, नेक्स्ट आते हैं दूसरे सम की तरफ। इसमें कितने पद है, इसके पद में काउंट करूंगी यानी टर्म हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितने पद है, 6। इसकी डिग्री क्या है, इसकी घातांक क्या है, हाईएस्ट पावर हमारा क्या है, 6, तो इसकी घातांक हो गई 6। इसमें पद टर्म भी 6 है और इसकी डिग्री भी 6 है। इस तरह के और भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कितने टर्म्स है और उसकी डिग्री कितनी है। ये काफी इजी होता है, आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पद और घातांक कैसे निकाला जाता है या फिर टर्म्स और डिग्री को कैसे निकाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम आए एग्जैक्टली चैप्टर की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। हमें क्या निकालना है, p0 मींस जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसका मान क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी तब इसका मान क्या होगा, जब x की वैल्यू 2 होगी तो इसका मान क्या होगा, और जब x की वैल्यू 3 होगी तब इसका मान, यानी इस पॉलिनोमियल का मान क्या होगा। तो फर्स्ट हम आते हैं p0 निकालते हैं। p0 मीन्स यहाँ पे x क्या है हमारा, x जो है वो 0 है, तो जहां जहां x है वहां वहां हम 0 पुट करेंगे, x के प्लेस में 0 पुट करेंगे। p0 x के प्लेस में मैंने 0 पुट किया, 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 0 माइनस 6, ये 0 हो गया, प्लस 9 इंटू 0 0 माइनस 6, इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस 6। मीन्स p0 क्या हो गया हमारा, p0 हो गया माइनस 6। अब हम p1 निकालेंगे, p1 जहां x है वहां 1 पुट किया जाएगा, 1 होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 6, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 9 इन 1 9 माइनस 6, प्लस 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 9 और 1 10 हो गया माइनस 6, 10 से माइनस 6 किया मैंने तो ये हो गया 4, यानी कि हमारा P1 क्या हो गया, P1 की वैल्यू हो गई हमारी 4, ये हो गया P1। अब नेक्स्ट चलते हैं P2 की तरफ। P2 क्या होगा, यहाँ पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां मैंने 2 पुट किया, 2 के पावर में स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 माइनस 6, 2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 9 टू जा 18 माइनस 6, प्लस 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 18 में मैंने 4 को ऐड किया तो ये हो गया हमारा 22 माइनस 6। अब हम 22 से 6 को माइनस करेंगे तो 6 माइनस करने से ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो गया हमारा कंप्लीट P2। मैंने पहले P0 निकाला, फिर P1 निकाला, ये हमने P2 निकाला। तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स कि जो भी वैल्यू गिवन होती है वो हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। यहाँ हमें x की वैल्यू पता है, जब कभी 0 है तो 0 पुट किया, 1 है तो 1 पुट किया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। इस सम में हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, qx जो है वो हमारा 0 होना चाहिए। तो ये 0 कैसे होगा, इसका शून्य कैसे आएगा, ये 0 कैसे होगा, अगर हम x के प्लेस में कोई ऐसा नंबर रखते हैं जिससे कि ये पॉजिटिव प्लस 4 हो जाए तो प्लस 4 माइनस 4 मिलके हमारा 0 हो जाएगा। तो कैसे आएगा, अगर आप यहाँ 1 पुट करते हैं x के प्लेस में, अगर 1 पुट करते तो ये 1 होगा, 1 से माइनस 4 को माइनस जब करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा माइनस 3, तो ये नहीं हुआ, ये 0 नहीं हुआ। अगर हम x के प्लेस में 2 रखते हैं, x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, दैट मीन्स q, ये 2, यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या लाना था, qx इज इक्वल टू 0 लाना था, जो कि हमारा हो गया। तो ये काफी इजी होता है, बस आपको ये देखना है कि यहाँ हम क्या रखेंगे कि ये दोनों टर्म मिलके 0 हो जाए। ये दूसरा वाला इससे भी ज्यादा इजी है, ये क्या है, 2 इंटू एक्स,
ये है हमारा 2 इंटू एक्स, अगर एक्स के प्लेस में 0 पुट करते तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 तो ये हो गया 0, तो हमारा पी एक्स क्या हो गया 0, ये शून्य हो गया। नेक्स्ट वाले सम में आते हैं, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसका शून्य निकालना, अगर एक्स के प्लेस में 0 रखते हैं, एक्स के प्लेस में 0 रखते हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0, देन पी एक्स, पी 0 होगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे भी 2 लिखा है, पी 0, ओ सॉरी 2, ये सही था, ये यहाँ मैं मुझे करना था पी 0। उसी तरह से यहाँ हम करेंगे पी 0 इज इक्वल टू ए इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू 0 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा शून्य निकालना। पी एक्स की वैल्यू अगर शून्य निकालना हो तो क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हो, जो भी टर्म्स हो, उसको जीरो करना होता है। कैसे जीरो करते हैं, आपको चेक करना होगा कि यहाँ क्या पुट करेंगे कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अब तक ये आपको पता चल गया होगा कि जीरो कैसे निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आज का क्लास हमारा यही खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अधिक वीडियो के लिए आपको जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई सम समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगी, या जो भी इशू है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।